हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। सो हमने स्टेम सेल्स टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और जो एडल्ट स्टेम सेल्स में हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जिनको हमने डिटेल में देखना शुरू किया था। सो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के 3 वीडियो लेक्चर्स अभी तक बन चुके हैं, ये फोर्थ पार्ट रहेगा और लास्ट लेक्चर रहेगा मोस्टली स्टेम सेल डिसऑर्डर्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो स्टेम सेल के कोई डिसऑर्डर्स का ये मीनिंग यहाँ पर रहता है कि स्टेम सेल किन तरह की डिजीजेस को क्योर कर सकती है। तो उसमें जैसे कि लिवर डिजीजेस आती है उसके अंदर बहुत अच्छा माना जाता है स्टेम सेल्स को। एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजनरेशन होता है, हीमोफेगोसाइटिक लिम्फोस्टियोसिस्टोसिस की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर ये हेल्पफुल दिखता है। पेरियोडोंटिटिस जो रहती है प्रॉब्लम उसमें, HIV के अंदर, उसमें स्टेम सेल्स को माना गया है कि बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी होती है उसमें, एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया में, उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर और भी कुछ डिजीजेस हैं जिसका अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं कोशिश कि उसका क्योर ढूंढ लें। तो स्टेम सेल्स के जो डिसऑर्डर्स है उसमें आप इन नेम्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक के सारे लेक्चर्स में हमने ये सारी डिटेल्स देख ली थी कि स्टेम सेल्स जो होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इनके अंदर सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी होती है और इनको हम इंड्यूस कर सकते हैं कि डिफरेंट सेवरल जो लीनियजेस हो सकती है उसमें चेंज हो जाए, जिस वजह से बाद में वो खुद से ही जो सेल्स रहते हैं उनमें ये क्षमता आ जाए कि वो खुद ही अपने आप को डेवलप कर ले आगे की तरफ उन तरह के सेल्स के अंदर। तो वो स्टेम सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मेनली जो 3 तरह के स्टेम सेल्स थे वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, इंड्यूस स्टेम सेल्स होते हैं, ये हम जान चुके हैं अभी तक। सो लेट समराइज के क्या यूजेस होते हैं स्टेम सेल्स के। रिसर्च टूल्स में, सेल थेरेपीज में, ड्रग टारगेट वैलिडेशन, सोर्स मटेरियल्स फॉर 3D प्रिंटिंग एंड 3D वीविंग, ड्रग डिलीवरी, स्टेम सेल्स के एक्सोसोम्स, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग और जो ये सारे एप्लीकेशन हम देखते हैं स्टेम सेल्स के अंदर। तो स्टेम सेल्स का यूज बहुत ज्यादा जिन प्रॉब्लम्स में देखा जाता है वो है जैसे कि ल्यूकेमिया में, जो ब्लड कैंसर होता है उसके अंदर भी आप देखते हैं इसको। तो ल्यूकेमिया, लिम्फोमा इसके अंदर हम इसका यूज बहुत देखते हैं। होता क्या है, बोन मैरो और जो पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स के ट्रांसप्लांट होते हैं वो कर दिए जाते हैं इन प्रॉब्लम्स में, जिससे कि वो क्योर हो जाती है। नॉर्मली किसी अच्छे हेल्दी इंसान के अंदर से बोन मैरो के अंदर से जो स्टेम सेल्स रहेंगे उनको लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जिस इंसान को डिजीज हुई उसके अंदर, और फिर वो जो नए सेल्स उसकी बॉडी में जब पहुंचते हैं डिजीज इंसान के अंदर, तो वो सेल्स उसकी बॉडी में ऐसे वर्क करने लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर खुद के ही सेल्स है। तो इस तरह से वहां पर प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। तो इन तरह की डिजीजेस में यूजफुल रहता है। तो बोन मैरो एंड पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर ओवर 40 इयर्स एज थेरेपी फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स सच एज ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा अमंगस्ट मेनी अदर्स। उसके बाद एक केस होता है थर्ड डिग्री बन का, जैसे किसी इंसान में थर्ड डिग्री बन हुआ, ये किसी का हैंड है फॉर एग्जांपल, उसके हैंड में यहाँ पर बहुत थर्ड डिग्री बन हो गया है। तो अब इस इंसान को नॉर्मली क्या प्रोसेस सोचेगा कोई इंसान की, किसी हेल्दी इंसान की स्किन को यहां से लेकर वो यहां पर ग्राफ्ट, यहां से इसका ग्राफ्ट लेकर उसके ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जिस इंसान को प्रॉब्लम हुई थी उस पर अगर आप किसी और की स्किन लगाते हो तो नॉर्मली ये केसेस देखने को मिलते हैं कि वो स्किन या उस ग्राफ्ट को, जो ग्राफ्ट आप वहां पर लगाने की कोशिश करेंगे वो उसको रिजेक्ट कर देगी बॉडी। तो ये रिजेक्ट कर देगी और वहां पर इन्फ्लामेशन और इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या करा, थर्ड डिग्री बन के केस में उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो एक काम करते हैं कि किसी इसी इंसान के जिसको प्रॉब्लम ही नहीं उसी इंसान के जो स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल्स जो कि अच्छे हेल्दी स्किन सेल्स होंगे उनको ढूंढेंगे, उनको लेंगे, उसके ऊपर इंड्यूस प्लोरीपोटेंट की वो जो टेक्नोलॉजी आपको मैंने पहले भी बताई थी लेक्चर में जब मैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बता दी थी, तो इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करके स्किन सेल्स को बना देंगे स्टेम सेल्स की तरफ, उनको इंड्यूस करेंगे जिसमें जो KLF4, OCT4, MYC, SOX2 ये सारी चीजों को यूज करके यहाँ पर मतलब स्टेम सेल्स का यूज करके फिर यहाँ पर उनको लगा देंगे। तो अब वो सेल्स उसकी बॉडी के रहेंगे और वो ऐसे फंक्शन करेंगे क्योंकि उसी के जैसे होंगे और यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये स्टेम सेल्स की यूजेस है। सीवियर आई डिजीज का केस में भी ये बहुत यूजफुल देखा जाता है। सीवियर आई डिजीज अगर किसी को हो गई प्रॉब्लम तो रेटिना के अंदर से सेल्स ले लेंगे किसी हेल्दी डोनर के अंदर से, या फिर उसी इंसान की किसी हेल्दी अगर सेल्स है उसके रेटिना में तो उसको लेकर उस पर IPSC की जो टेक्नोलॉजी उसको यूज करेंगे। ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आप देखते आएंगे, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के सारे वीडियो, तो उसके बीच में आपको IPSC का भी कंसेप्ट मिल जाएगा। तो उससे सेवरल आई डिजीजेस जो होती है उनको हम क्योर कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस होती है जिसमें जैसे कि अल्जाइमर्स, फिर उसके बाद आ जाएगी पार्किंसंस, उसके बाद हंटिंगटन्स, ठीक है, और जो मतलब एक होती है AILS,
ये सारी डिजीजेज जो होती है वो क्योर की जा सकती है। इन सभी ALS लिखना था मुझे, गलती से मैंने ALS लिखा। तो इन सभी डिजीज जो मैंने यहाँ नाम लिया कि यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूरॉन है वो खराब होने लगते हैं, डाई करने लगते हैं। तो न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए अच्छे न्यूरॉन्स को लेकर उनका स्टेम सेल्स में iPSCs का कंसेप्ट लगाकर उनको डेवलप करके इन डिजीजेस में आप यूज कर सकते हैं। और दिन पर दिन अगर आप देखोगे तो स्टेम सेल्स की जो मतलब बेस्ड थेरेपी होती है वो वाइडली यूज्ड होती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जैसे कि बीटा थैलेसीमिया, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, स्पास्टिक सेरेब्रल पैरेसिस, एप्लास्टिक एनीमिया, सेरेब्रल पैरेसिस, फिर हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशेंसी डिजीजेस, विस्कॉर्ड एल्ड्रिच सिंड्रोम, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, इन सभी में यूज हो रही है। ये नाम आप यहाँ से देख सकते हो। फिर बात ये आती है कि आखिर स्टेम सेल्स में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो इतने यूजफुल पाए जाते हैं। तो उसके लिए आपको बताना चाहिए कि उसकी कुछ जो मतलब प्रॉपर्टीज होती है स्टेम सेल्स की, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसमें एक होती है कि उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे सेल से। तो एक मेटाबॉलिक पाथवे इसका थोड़ा सा अलग होता है। क्रोमेटिन लैंडस्केप इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, क्रोमेटिन लैंडस्केप। इसके अलावा प्रोटीन की स्टेबिलिटी इसमें थोड़ी अलग देखने को मिलती है बाकी सेल्स के अगर कंपेरिजन में आप बात करते हैं तब। फिर उसका माइक्रो एनवायरनमेंट इंटरेक्शन थोड़ा अलग होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। जीन एक्सप्रेशन इसका थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल सेल से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि स्टेम सेल्स को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल बनाती है और इतना यूजफुल बनाती है। अब अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर, तो अडल्ट टिश्यू जो स्पेसिफिक टर्मिनली डिफरेंशिएटेड जीन प्रमोटर्स होते हैं उनके अंदर रेगुलरली स्कैटर्ड प्लेस न्यूक्लियोसोम्स इस टाइप से दिखाई देते हैं। उसके अलावा फिर अगर आप यहाँ पर देखो हाउसकीपिंग जीन प्रमोटर्स में ब्रॉड TSS दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ पा रहा होगा बीच में जो रेड लाइन्स है उसमें देखो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखोगे प्रमोटर्स ऑफ स्टेम सेल्स को, तो ये रिलेटिवली शार्प TSS शो करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये डिफरेंट होते हैं। फिर उस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल सेल होते हैं वो ग्लूकोज का यूज करते हैं और अलग अलग पाथवेज जैसे कि उसमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आ जाती है, क्रैब्स साइकिल आती है, इस तरह से प्रोसेस अलग अलग यूज करके मेटाबॉलिक पाथवेज फॉलो करते हैं। लेकिन स्टेम सेल्स का ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूज करते हैं जो कि होती है ग्लाइकोलाइसिस, ओनली ग्लाइकोलाइसिस। यहां पर तो ग्लाइकोलिसिस भी आ जाएगा, क्रैब्स साइकिल आ जाएगा, और भी पाथवेज आते हैं वो सब आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ ओनली ग्लाइकोलिसिस यूज करता है। तो ये एक डिफरेंस और आया, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का यूज करते हैं टू जनरेट ATP, ATP को जनरेट करना रहता है एनर्जी का, तो वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पाथवे का यूज करके अपना काम यहाँ पर करते हैं। और जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, इसका भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। दो तरह का होता है, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट जब होता है कि जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर अगर आपको कुछ ट्रांसप्लांट करना है तो पेशेंट के खुद की ही बॉडी में से कुछ चीज को, सेल्स को लेकर उसी की बॉडी में लगा दिया जाता है। तो यानी कि द सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द पेशेंट इटसेल्फ। वहीं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो स्टेम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम वन, यानी कि मतलब जो पेशेंट है उसके कोई भाई बहन है, सिबलिंग है, या उसका कोई रिलेटिव है, जिससे कि उसके एंटीजन की कंपेटिबिलिटी अच्छी देखने को मिल रही है वो, और जो अनरिलेटेड डोनर है वो इसमें इस केस में एलोजेनिक में देखने को मिलता है। तो दो तरह के ट्रांसप्लांटेशन में ऑटो से आप याद रख लेना, पेशेंट की बॉडी से पेशेंट के लिए सेल्स का लेकर यूज अगर किया जा रहा है तो ऑटोलोगस, और अगर किसी डिफरेंट पर्सन से जो कि उससे मैच करता हो उससे लाया जा रहा है तो एलोजेनिक होता है। सो स्टेम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम एन HLA मैच्ड सिबलिंग और अनरिलेटेड डोनर, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अब मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया आ जाता है, उसके बाद क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, न्यूरोब्लास्टोमा, सार्कोमा, नॉन मैलिग्नेंट में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। जो आगे फ्यूचर में हो सकती है उनके नाम भी चल रहे हैं यहाँ पर, कार्टिलेज ग्रोथ एंड जॉइंट रिजुविनेशन। ए स्टेटमेंट सही है, बी यहाँ रॉन्ग है, सी सही है, डी यहाँ पर अगेन, डी और ई दोनों रॉन्ग है यहाँ पर। सो आंसर डिटरमाइंड फर्स्ट, ये हमने पहले भी किया था सॉल्व।